तो यो गाइस, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। होप आप लोग ठीक होंगे। भाई बाहर बाहर मत निकलो, कोरोना वायरस चल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग अभी आपको बताएंगे, हम लोग नहीं मैं बताऊंगा कि कैसे भाई टू साइड गेमर्स का मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन अब मैं दूसरा स्टाइल वाला बताने वाला हूँ क्योंकि दूसरा थंबनेल भी आ गया टू साइड गेमर्स का। तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये जो ये ऊपर वाला बार है इस पर दाबना, फिर उसके इमेज साइज पे क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल पे। बहुत लोग करते हैं कि कस्टम में बनाते हैं, फिर उनका आधा ज़्यादा फोटो आता ही नहीं थंबनेल में। यार ये मैंने अच्छा बताया, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आते रहेंगे। और गाइस सपोर्ट करो यार, 100 सब्सक्राइबर पर गिव अवे है यार। तो अभी हमारे 76 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो गाइस फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मीन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर लेगा। लेकिन यार बहुत लोग करते हैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाते हैं, और फिर उसके बाद जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे इतना सारा मेरे को मिल गया, जल्दी में बना लेते, लेकिन फिर उसके बाद वो गलत बना लेते, फिर उसके बाद बोलते रहते हैं भाई मेरा बनाया नहीं, मेरा बना नहीं, भाई मेरा बना नहीं, फिर उसके बाद डिसलाइक कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को मीन्स कोई भी ऐसा बैकग्राउंड लेना है। देखो भाई कोई बनाओ तो भाई अब नॉर्मली हरा भरा घटिया सा बैकग्राउंड तो लोगे नहीं, तो मैंने आपको एक और बैकग्राउंड दिया, वो बैकग्राउंड मैंने खुद बनाया है। तो गाइस अगर आप यूज़ करोगे तो मीन्स मेरे को भाई कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि भाई तुम यूज़ मेरे को क्रेडिट दो, मैं कॉपीराइट भी मनी मांगूंगा अगर मेरे को मिल भी गया। तो गाइस बहुत लोग यूट्यूबर करते हैं कि भाई मैं क्रेडिट मांगते, भाई क्रेडिट दो क्रेडिट, लेकिन यार मैं नहीं मांगता। तो भाई ऐसा आप लोग कर लेना, और फिर उसके बाद भाई सबसे पहले मैं बैकग्राउंड यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो गाइज ये बैकग्राउंड कैसा लगा भाई ये बताना कमेंट में। तो गाइज बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो यार मेरे को कमेंट्स की बहुत ज़रूरत रहती है। तो गाइज देखो लॉकडाउन में मैं भी घर में बैठा हूँ, तो घर बैठे क्या करूँ यार, फ्री फायर खेल खेल के बोर हो जाता हूँ, इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कमेंट कर लिया यार, कम से कम मैं कमेंट तो पढ़ पाऊँ। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखो भाई हम लोगों ने यहाँ ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हमें करना है कि हमें कोई भी PNG सेलेक्ट कर लेना। तो PNG आपको लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, जिसको नहीं पता मैंने उस पर भी वीडियो बनाई, अगर आपको वो वाली वीडियो भी देखना है, मैं एकदम परफेक्ट PNG बताया है मैंने उस वीडियो में, तो अगर आपको वो वाली वीडियो भी देखना है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ वीडियो देख लो। तो गाइस जैसा आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने दो दो इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। गाइस मस्त इमेज लग रहा है एकदम। तो गाइस उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को मैं आपको और बताऊँगा मस्त वाला। तो मैं आपको बताऊँगा इस वाली वीडियो में कि भाई जैसा आप देख सकते हो बहुत लोग ग्लू एकदम पूरा मस्त ग्लू उन लोगों का हो जाता है ना, तो भाई वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्सेस लिखना है, और मैं आपको एकदम बताऊँगा ग्लू कैसे करा जाए वर्ड को। देखो यार एकदम नॉर्मल लग रहा है। तो अब इसे में हमने कोई फॉन्ट डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ, मेरे को फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाने के। तो इसका हम लोगों को कलर यही रहना है, आपको जो कलर चाहिए वो ले लो भाई, लेकिन वाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ मैंने ये ले लिया है या फिर ये ले लिया है, समझ नहीं आ रहा क्या लूँ। तो गाइज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार कौन सा फॉन्ट बेस्ट होता है, वरना मेरे को तो सबसे अच्छा यही लगता है। तो गाइज़ मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया, देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस जैसा देख सकते हो कि अभी भी ये ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसे ग्लो कैसे करा है, तो हमारे में एक स्टॉक वाला ऑप्शन होता है, स्टॉक कर दो, अभी भी ग्लो नहीं कर रहा, रुक जाओ भाई। तो गाइस ये देखो थोड़ा अब ग्लो किया, नहीं किया ग्लो। तो गाइस आपको यहाँ पर इसे ओवर आउटर ग्लो को आपको इनेबल पे कर देना, और इसे ऐसे कर देना है, और आपको जितना चाहिए मैं तो बस इतना बताऊँगा, इतना ही करना चाहिए। और फिर इनर शेडो पर हमें क्लिक करना है, इसे वाइट कर देना है। तो गाइस ऐसा बहुत मस्त वाला बन जाएगा हमारा, और अगर मीन्स वो भी चाहिए शेडो रिफ्लेक्शन तो वो भी हो जाएगा, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन पीछे वाला, लेकिन ये भाई इसी को ज़रूरत नहीं है वर्सेस वाले में। तो उसके बाद हमारा जो मेन है इसके साइड में वैसा कैसा कैसे लाएं हम लोग अच्छा सा आउटलाइन, तो वो आउटलाइन हम लोग अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस इस टाइप का आप लोगों को लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कुछ इस टाइप का इमेज। तो गाइस अगर अभी तक आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही है, वीडियो देख रहे हो, तो गाइस प्लीज़ यार लाइक कर दो यार वीडियो को, यार चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। अगर यार तुम लोग का मन नहीं है तो यार तुम लोग नहीं भी कर सकते हो। तो गाइस अब हम लोगों को करना ये है, इसे बैक कर देना है, फिर हमें इस पर क्लिक करना है, इसे टू फ्रंट कर मजाक कर रहे, सबसे बैक कर देना। अब देखो भाई ये कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा हमारा, देखो ये इसके पीछे आ गया। तो ये गाइस ये देखो ये कैसा मस्त आउटलाइन लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा गजब। तो गाइस ये आउटलाइन बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो गाइस अब मैं इसको अगर आप लोग इसका बहुत सा इसके पीछे भी डालना है, तो इसके पीछे कैसे डालूँ मैं, इसे डुप्लीकेट करते हैं हम लोग, कम से कम भाई चार डुप्लीकेट बनाने हैं इसके। और फिर उसके बाद हमें यार इसे टू बैक
बैक बैक बैक, फिर इससे टू फ्रंट, अरे यार टू बैक। तो गाइस कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा। और गाइस अगर आपको इसको भी पूरा बैकग्राउंड में भी कवर करना है तो यार बहुत मज़ेदार लगता है बैकग्राउंड में कवर करके। तो गाइस इसे आउटलाइन बना दोगे तो गाइस और भाई मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को, अगर इसको आउटलाइन जैसा बना लोगे तो। गाइस ऐसा बनाना पड़ता है। तो गाइस अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर भाई आप लोगों को लगता है मैंने प्रोवाइड किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड वाले जो बेल आइकन है उससे दबाना ज़रूरी है। देखो यार तुम चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वो मेरे को मतलब नहीं है उससे, लेकिन यार बेल आइकन को ज़रूर दबा देना यार, मेरे को बेल आइकन से मतलब है। तो गाइस ज़्यादा अच्छा जोक मार दिया मैंने। तो गाइस यहाँ पे हमारा थंबनेल अभी तक नहीं बना है, तो अभी भाई हमारा थंबनेल अभी तक नहीं बना है तो आप लोग सोच रहे होंगे यार हो तो गया सब कुछ भाई, बहुत लोग अभी तक वीडियो छोड़ दिए मैं जानता हूँ, लेकिन अभी हम लोग को करना है इसे और मस्त। तो इसे मस्त और कैसे बनाया जाए, तो गाइस अगर आपको इसे और मस्त बनाना है तो आपको सिंपली इमेज को सेलेक्ट करना है और उसमें अगर आपको बैकग्राउंड डालना है कुछ ऐसा, अगर आप कोई भी कलर का डाल सकते हो जैसा पसंद, जैसा डाल दो। तो गाइस आराम से ऐसे बन जाएगा। तो गाइस यहाँ सबसे बेस्ट येल्लो होता है यार, येल्लो। और देखो ये पिंक कलर का है तो इसमें पिंक डाल देंगे हम लोग। तो गाइस अभी भी भाई अभी एक और स्टेप बचा है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो स्टेप देखते जाना। पिंक ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। तो गाइस अभी हमारा लास्ट स्टेप है जो एक और लिंक आपको मैंने दी है इलेक्ट्रिक आउटलाइन वाली, तो भाई अभी उसे चेकआउट कर लेना। तो गाइस उसको अभी कैसे डालना वो आपको बताता हूँ मैं। तो गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा अगर आप लोग इसे सेलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले हमें इसे ओके करना है। तो गाइस ये देखो ये होता है मीन्स, और मीन्स इतना धांसू बनाने के लिए होता है ये भाई। तो गाइस देख सकते हो यार क्या मज़ेदार बन गया हमारा थंबनेल। तो गाइस ये हमारे हमेशा लास्ट में लगाया हो। तो गाइस अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप लोगों को सिंपली यहाँ जाना है और एक ऑप्शन होता है कलर वाला, और इसे आप इनेबल करना, जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का हो जाएगा। तो यार सबसे बेस्ट येलो ही होता है क्योंकि ये थोड़ा गोल्ड जैसा देता है हमें, और अगर जिस गोल्ड कलर इसमें हम लोग कैसे लाएँ वो गोल्ड कलर अगर आप लोग ला दोगे तो यार गोल्ड कलर जैसा मस्त वाला बन जाएगा। तो गाइस वैसे येलो ही सबसे बेस्ट होता है क्योंकि येलो गोल्ड का थोड़ा देता है हमें आइडिया। तो गाइस मैं अभी इसे थोड़ा गोल्ड का बताता हूँ कैसे करना है। तो गाइस सही एकदम हम लोग का गोल्ड बन गया है, उतना अच्छा गोल्ड नहीं बना लेकिन हम लोग ऐसे बना दिए। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो और यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वरना नहीं करना है तो भाई तुम्हारे ऊपर है, लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार अगर वीडियो देख रहे हो। तो गाइस बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।